हेलो एवरीवन, विद्युत स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। विद्युत स्टडी चैनल पर आज हम आपको बताएंगे, आज का टॉपिक है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आज आपका जो टॉपिक नेम है वह आपका है सेमीकंडक्टर। तो विद्युत स्टडी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि यह आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक बहुत ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे और बहुत से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में नॉलेज हो। ठीक, तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का आज टॉपिक है सेमीकंडक्टर। और यह आपका जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है UPPCL UPMRC, जिसको आप पहले लखनऊ मेट्रो बोलते थे, इसमें इसका नाम उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन हो गया LMRC की बजाय अब आपका UPMRC हो गया है। और इसके बाद यानी MRC नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, DMRC UPRVNL, UP SSC, UP SSC में जो बोरिंग टेक्नीशियन की वैकेंसी आई है उसके लिए भी यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। और ऑल टेक्निकल एग्जाम ITI के आपके सेमेस्टर एग्जाम हो उसके लिए भी इम्पोर्टेंस है। ठीक, और JEE के लिए भी आप टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज हम आप शुरू करते हैं सेमीकंडक्टर। देखिए, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर और इंसुलेटर, इसका अगर आपको डिटेल में जानकारी लेना हो तो इसके पहले मैं एक लेक्चर बनाया हूँ, उस लेक्चर को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप जाइए प्लेलिस्ट में आपको लेक्चर मिल जाएगा, जिसमें आपको सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में पूरी डिटेल, पूरी विस्तार से जानकारी दी गई है। ठीक है, क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक पढ़ने से पहले अगर आपको सेमीकंडक्टर के बारे में नॉलेज नहीं होगा तो फिर आप इसका स्टडी अच्छे से नहीं कर सकते हैं। तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर का टॉपिक देखिए, उसमें आपको पूरी डिटेल मिलेगी। फिर उससे आप अगर उसको आप देख के अगर आपके समझ में आ जाता है तो फिर आपके जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक की जो बेस है वो मजबूत हो जाएगी। फिर बेस मजबूत हो जाएगी तो फिर आप इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे आप चाहे ऑसिलेटर पढ़िए, चाहे आप एम्पलीफायर पढ़िए, कुछ भी आप पढ़ेंगे ETC इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी जब आपका बेस मजबूत होगा। तो आप उसको देखिए जाके, प्लेलिस्ट में जाके। चलिए शुरू करते हैं हम। तो जो हमारा सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर जो हमारा होता है वो दो टाइप का होता है। ठीक, सेमीकंडक्टर हमारा दो टाइप का होता है। एक आपका क्या है, इंट्रांजिशिक सेमीकंडक्टर, इसको हिंदी में बोलते हैं शुद्ध अर्धचालक। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, शुद्ध अर्धचालक। और एक आपका होता है एक्सट्रांजिशिक सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रांजिशिक सेमीकंडक्टर अभी इसके बाद हम बताएंगे, पहले तो आप इंट्रांजिशिक सेमीकंडक्टर में जानिए। लेकिन इतना आप जानते रहिए कि जो आपका सेमीकंडक्टर होता है वह आपके कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का। कोई पूछे कि सेमीकंडक्टर कितने प्रकार का होता है, तो सेमीकंडक्टर का जो मेनली टाइप है वह दो प्रकार का। तो पहला आपका क्या है, इंट्रांजिशिक सेमीकंडक्टर को हिंदी में बोलेंगे शुद्ध अर्धचालक। अब इसको हम बताते हैं आपको, इंट्रांजिशिक सेमीकंडक्टर या शुद्ध अर्धचालक के अंतर्गत आपके आते हैं सिलिकॉन, पहला आपका है सिलिकॉन और दूसरा आपका है जर्मेनियम। यही दो आपके शुद्ध अर्धचालक है, शुद्ध अर्धचालक जर्मेनियम और सिलिकॉन है। ठीक, अब थोड़ा से जर्मेनियम और सिलिकॉन की बात आई तो हम पहले तो इसकी रजिस्टिविटी या प्रतिरोधकता की बात कर लेते हैं। प्रतिरोधकता प्रतिरोधकता को आप बोलते हैं रजिस्टिविटी। ठीक, प्रतिरोधकता, तो अगर प्रतिरोधकता की बात करें तो सिलिकॉन, देखिए सिलिकॉन की प्रतिरोधकता आपकी होती है 6000 ओम सेंटीमीटर। और आपके जर्मेनियम की जो रजिस्टिविटी होती है, जर्मेनियम की प्रतिरोधकता होती है, वो होती है 60 ओम सेंटीमीटर।
एग्जाम में यह बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आपके पूछा जाता है। ठीक, तो जर्मेनियम की प्रतिरोधकता 60,000 ओम सेंटीमीटर और सॉरी सिलिकॉन की प्रतिरोधकता 6,000 ओम सेंटीमीटर और जर्मेनियम की प्रतिरोधकता 60 ओम सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपकी प्रतिरोधकता की बात हो गई। तो शुद्ध अर्धचालक जो आपकी कौन कौन से हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम की प्रतिरोधकता सिलिकॉन की 6,000, जर्मेनियम की 60 ओम सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा से इसका एनर्जी एनर्जी के बेस पे आपका डायग्राम है, एनर्जी बैंड के आधार पे। तो आपका देख रहे हैं ये आपका एनर्जी बैंड का है, तो ये आपका लोअर बैंड एनर्जी बैंड है, ये आपका वैलेंसी बैंड है और ये आपका कंडक्शन बैंड है। तो इन ट्राजेसिक या शुद्ध अर्धचालक में आपको क्या दिखाई दे रहा है? शुद्ध अर्धचालक में अगर हम बैंड की बात करें, शुद्ध अर्धचालक के बैंड की बात करें, तो शुद्ध अर्धचालक में बैंड में आपको मिल क्या रहा है? देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि जो आपका ये बैलेंसी बैंड है, बैलेंसी बैंड यह पूरी तरीके से क्या है, पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा है। कौन? वैलेंसी बैंड। और कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड क्या है, पूरा खाली है। ठीक, तो जो आपका शुद्ध अर्धचालक है, शुद्ध अर्धचालक आपका एब्सोल्यूट 0 डिग्री टेम्परेचर पे है, ये आपके 0 डिग्री टेम्परेचर पे बात हो रही है। ठीक, 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बात हो रही है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे देख रहे हैं। शुद्ध अर्धचालक में आपको क्या प्रॉपर्टी मिल रही है कि जो हमारा कंडक्शन बैंड है वह पूरी तरीके से खाली है और जो हमारा बैलेंसी बैंड है यह पूरी तरीके से भरा हुआ है। इसका मतलब क्या है? यह आपकी किसकी प्रॉपर्टी होती है? इंसुलेटर। यह आपकी प्रॉपर्टी किसकी है? इंसुलेटर। इंसुलेटर में यही प्रॉपर्टी पाई जाती है। इंसुलेटर में जो क्या होता है कि कंडक्शन बैंड पूरी तरीके से खाली होता है और बैलेंसी बैंड पूरी तरीके से भरा होता है, और यही चीज आपके एग्जाम में भी पूछ लेता है कि इंसुलेटर में कौन सा बैंड खाली होता है, कौन सा बैंड भरा होता है। तो बैलेंसी बैंड पूरा भरा होता है और कंडक्शन बैंड पूरा खाली होता है, या एब्सोल्यूट 0 डिग्री टेम्परेचर पे है, एब्सोल्यूट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे यह आपकी प्रॉपर्टी पाई जाती है। ठीक है, तो अब आपके जो प्रकृति में शुद्ध रूप से यही आपके दो पाए जाते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब यहाँ पे एक चीज हम बात करते हैं इसकी कि यहाँ पे जैसे अब अगर हम होल और इलेक्ट्रॉन की बात करें, होल होल बराबर इलेक्ट्रॉन, होल बराबर इलेक्ट्रॉन, शुद्ध अर्धचालक में होल की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? होल की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या आपस में बराबर होती है, जितने मतलब जितने होल होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, इसके बाद अब आपका नेक्स्ट आता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। आपका नेक्स्ट क्या है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये आपका सेमीकंडक्टर का दूसरा टाइप है। ठीक, इसको आप हिंदी में क्या बोलेंगे? अशुद्ध अर्ध चालक, इसको हिंदी में बोलेंगे अशुद्ध अर्ध चालक। तो यह आपका अशुद्ध अर्ध चालक जो होता है यह आपके दो प्रकार का होता है, एक होता है एन टाइप और एक होता है पी टाइप। एक आपका एन टाइप का होगा, एक आपका पी टाइप का होगा। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि एन टाइप और पी टाइप। पहले तो हम बैंड एनर्जी बैंड की बात करेंगे, एनर्जी बैंड का कैसे फॉर्मेशन होता है। तो अभी इसके पहले आप इन ट्रांजिस्टिक सेमीकंडक्टर या शुद्ध अर्धचालक में क्या देख रहे थे? शुद्ध अर्धचालक में देख रहे थे 0 डिग्री टेम्परेचर पे, 0 डिग्री टेम्परेचर पे आप देख रहे थे कि बैलेंसी बैंड पूरा भरा था, कंडक्शन बैंड पूरा खाली था। लेकिन जब सिलिकॉन
अथवा जर्मेनियम। जब सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम में आप अशुद्धि मिला देंगे, अशुद्धि किसकी मिलाएंगे? पंच संयोजी तत्व, पंच संयोजी तत्व, पंच संयोजी तत्व में आपके जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। ठीक, अगर सिलिकॉन और जर्मेनियम में पंच संयोजी तत्व फास्फोरस, आर्सेनिक या एंटीमनी को मिलाएंगे तो यही आपका क्या बन जाएगा? यही आपका जो सिलिकॉन और जर्मेनियम शुद्ध अर्धचालक था, अब यही आपका क्या बन जाएगा? अशुद्ध अर्धचालक। और वह किस टाइप का बनेगा? यह बन जाएगा एन टाइप। एन टाइप का अर्धचालक बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एन टाइप के अर्धचालक को बनाने के लिए चाहे आप पंच संयोजी तत्व को चाहे सिलिकॉन में मिलाइए चाहे जर्मेनियम में मिलाइए। ठीक, और कितना मिलाना है? अल्प मात्रा में, जर्मेनियम और सिलिकॉन में, जर्मेनियम और सिलिकॉन में अगर अल्प मात्रा में, अल्प मात्रा में अगर पंच संयोजी तत्व फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी को मिलाते हैं तो यही अब आपका बन जाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक, क्या बन जाएगा? एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं बैंड में, बैंड की अगर आप बात करेंगे तो देख रहे हैं अब क्या मिल रहा है आपको कि वैलेंसी बैंड में अब आपको होल मिल रहा है। ये देख रहे हैं, ये आपका वैलेंसी बैंड है और वैलेंसी बैंड में एक होल यह है, एक होल यह है। ठीक, और कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड ये है और कंडक्शन बैंड में ये सब आपके क्या है? ये आपके इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो आपको मिल इसमें दिख क्या रहा है कि वैलेंसी बैंड में हमारे कम मात्रा में होल मिल रहे हैं, कम मात्रा में होल मिल रहे हैं। ठीक, होल को हम बीवर या क्वार्टर भी बोलते हैं, होल का जो दूसरा नाम है उसको हम बीवर भी बोलते हैं, होल को या क्वार्टर भी बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या है अब कंडक्शन बैंड में आपको क्या मिल रहा है? कंडक्शन बैंड में ज्यादा इलेक्ट्रॉन, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा मिल रही है और वैलेंसी बैंड में आपके होल की मात्रा मिल रही है लेकिन वह बहुत ही कम मात्रा में मिल रही है। ठीक, अब होगा क्या? देखिए, जब आप यहीं से यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में किसमें होल की ज्यादा मात्रा होगी या इलेक्ट्रॉन की, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं बैंड के हिसाब से आपका क्लियर हो रहा है कि बैंड के हिसाब से आपके एन टाइप में किसकी मात्रा ज्यादा हो रही है? एन टाइप में इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा हो रही है, होल की मात्रा कम। होल यहाँ पे दो ही देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन या बहुत ज्यादा देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या मिला कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में वो इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वह किससे ज्यादा है? होल की संख्या से, इलेक्ट्रॉन की संख्या होल की संख्या से ज्यादा है। ठीक, तो यहां पे आप बैंड, बैंड के बेस पे भी देख ले रहे हैं। चलिए अब आपको बताते हैं हम जो हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर है इसको हम बनाएंगे कैसे। एन टाइप सेमीकंडक्टरों को बनाने के लिए यहाँ पे देख रहे हैं यह आपका क्या आर्सेनिक है, यह आपका क्या है आर्सेनिक। तो एन टाइप सेमीकंडक्टरों को बनाने के लिए सिलिकॉन जर्मेनियम को इसमें अल्प मात्रा में आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस को अल्प मात्रा में मिलाया जाता है। कितना? अल्प मात्रा में। अब देखिए अल्प मात्रा का क्या मतलब आप समझ रहे हैं? देखिए अल्प मात्रा का मतलब होता है कि
एक एटम और 10^8 एटम, एक एटम आपके किसके होंगे, आर्सेनिक या एंटीमनी या फास्फोरस के, और 10^8 एटम किसके होंगे, चाहे जर्मेनियम के हो चाहे सिलिकॉन के। ठीक, तो 10^8 में आपको कितना मिलाना पड़ रहा है, एक एटम, बहुत कम, बहुत अल्प मात्रा में। और यही जो आप शुद्ध अर्धचालक में जो आप अशुद्धि आप मिला रहे हैं, अशुद्धि, इसी अशुद्धि को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है डोपिंग, इसी को बोला जाता है डोपिंग। मतलब शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, डोपिंग कहते हैं। ठीक, तो यहां पे देखिए जो आपका एन टाइप है, अब एन टाइप को हम बना रहे हैं, तो पंच संयोजी तत्व इसकी जो पंच संयोजी तत्व है, इसका मतलब इसकी जो बैलेंसी है कितना है, 5 है, संयोजकता 5 है आर्सेनिक की। ठीक, आर्सेनिक की संयोजकता 5 है। अब 5 है और जर्मेनियम की संयोजकता कितनी होती है, जर्मेनियम की जो संयोजकता है वो आपकी 4 होती है। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 इसके जो इलेक्ट्रॉन थे, 5 इलेक्ट्रॉन में जो इसके 4 इलेक्ट्रॉन हैं, जर्मेनियम से क्या कर लिए, कोवैलेंट बांड बना लिए, ये आपका जर्मेनियम से कोवैलेंट बांड बन गया। ठीक, जर्मेनियम से कोवैलेंट बांड बन गया। अब आपके 4 इलेक्ट्रॉन आर्सेनिक के, तो 4 इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम के 4 इलेक्ट्रॉन से अपना पेयर बना लिए। जर्मेनियम के 4 इलेक्ट्रॉन से पेयर बनाने का मतलब है कि जर्मेनियम के साथ कोवैलेंट, जर्मेनियम का 4 इलेक्ट्रॉन आर्सेनिक के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ कोवैलेंट बांड या सहसंयोजी बंध बना लिया। ठीक, अब देखने एक दूसरे से बंध गए, लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो आपका 5वां इलेक्ट्रॉन है, ये 5वां इलेक्ट्रॉन यह पेयर नहीं बना पा रहा है, मतलब कि किसी के साथ यह जोड़ा नहीं बना पा रहा है, तो यह आपका क्या हो गया, यह आपका 5वां इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। ठीक, यह 5वां इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो गया, फ्री हो गया। अब जैसे यहाँ पे समझने के लिए क्या हो रहा है, यहाँ समझने के लिए आप सिर्फ एक एटम, एक आर्सेनिक की बात कर रहे हैं। ठीक, लेकिन जब इसको एक्चुअल में आप देखेंगे तो एक्चुअल में क्या होता है कि बहुत कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में जो आपकी अशुद्धि आर्सेनिक फास्फोरस एंटीमनी को मिलाते हैं, या बहुत ही कम मात्रा होती है, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में यह इलेक्ट्रॉन को पैदा करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या, यहाँ पे तो आप एक ही इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं ना, एक ही आर्सेनिक, लेकिन जब बहुत कम मात्रा में, मतलब कम मात्रा में जब आप आर्सेनिक को शुद्ध अर्धचालक के साथ, जर्मेनियम सिलिकॉन के साथ मिलाते हैं, तो यह मान के लाखों इलेक्ट्रॉन फ्री, लाखों फ्री इलेक्ट्रॉन पैदा कर देता है। ठीक, तो इसलिए आपके होल की संख्या इसमें कम होती है और इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें ज्यादा होती है। अब यहाँ पे आपको दो चीजें नोट कर लेना है, जो यहाँ पे आपके एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो पाया जाता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में डोनर इम्प्योरिटीज होती है, डोनर इम्प्योरिटीज का मतलब डोनर अशुद्धि। यहाँ पे इसमें आपको क्या मिलेगा, डोनर, अभी आगे आपको हम बताते हैं, एन टाइप में डोनर और पी टाइप में एक्सेप्टर, पी टाइप में आपका एक्सेप्टर मिलता है। ठीक है, तो भी आगे हम आपको बताएंगे। और एन टाइप जो सेमीकंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिकली रूप से यह न्यूट्रल होता है। ठीक, दूसरा
एन टाइप सेमीकंडक्टर में पूछा था कि किसकी संख्या ज्यादा होती है, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में किसकी संख्या ज्यादा होती है, आपके इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन होल होता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट आपका है पी टाइप सेमीकंडक्टर। देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर को, पी टाइप सेमीकंडक्टर ये आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर में, पहले तो हम बैंड के बेस पे बात करते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पे जो आपका बैंड दिख रहा है, बैलेंसी बैंड में होल की संख्या, बैलेंसी बैंड में होल की संख्या आपको ज्यादा दिख रही है, और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन की संख्या आपकी कम दिख रही है। ठीक है, और यह आपके ऐसा डिफरेंस क्यों आया कि बैलेंसी बैंड में होल की संख्या ज्यादा दिख रही है और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा दिख रही है। अभी अगर आप तीनों की बात करें, इंट्राजिसिक, चूंकि जो हमारा शुद्ध अर्धचालक होता है, शुद्ध अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक जो होता है, शुद्ध अर्धचालक में होल की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। ठीक, लेकिन जब इसी शुद्ध अर्धचालक में क्या कर देते हैं, जब इसी शुद्ध अर्धचालक में, ये आपका सिलिकॉन है और ये आपका जर्मेनियम, जब इसी शुद्ध अर्धचालक में हम इम्प्योरिटी ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट, ठीक, जब इसी में हम शुद्ध अर्धचालक में ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट, ट्राइवेलेंट का मतलब जिसकी संयोगता तीन हो, जिस एलिमेंट की संयोगता तीन हो, जैसे आपके एल्युमिनियम, इंडियम, गैलियम, ठीक, और इधर फास्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक। ठीक, तो जब शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी तत्व फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी मिला देते हैं, तो अब यहां पे आपको पता है कि इनकी जो बैलेंसी होती है पांच होती है, तो चार इलेक्ट्रॉन तो इसके साथ पेयर कर लेते हैं, लेकिन इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री हो जाता है, और इसमें क्या होता है, इसके इसके तीन बैलेंसी तीन संयोजकता तीन होती है, और इसके आपके सिलिकॉन की चार होती है बैलेंसी, तो तीन इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, और इसका जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वह इसके साथ पेयर नहीं बना पाता है, तो जहां पे पेयर नहीं बना पाता वहीं पे आपका क्या हो जाता है, होल हो जाता है। ठीक, तो इसका मतलब कि शुद्ध अर्धचालक में अगर त्रिसंयोजी तत्व मिलाएंगे तो आपको ज्यादा क्या मिलेगा, होल मिलेगा, और अगर शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी तत्व मिलाएंगे तो आपको ज्यादा क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन मिलेगा। इसीलिए आप अभी इसके पहले आप एन टाइप से पढ़े उसमें देखें कि बैलेंसी बैंड में आपके होल की संख्या कम थी और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा थी, लेकिन अब पी टाइप जब आप पढ़ रहे हैं तो पी टाइप में क्या हो रहा है कि बैलेंसी बैंड में होल की संख्या ज्यादा है और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है। तो अगर इसमें पूछा जाए तो इसमें आपका होता है होल की संख्या जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज्यादा होती है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, चलिए अब इसमें हम आपको बता रहे हैं कि कैसे हम पी टाइप सेमीकंडक्टर को बनाते हैं। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए डायग्राम आप देख रहे हैं कि ये आपका गैलियम है, गैलियम के तीन इलेक्ट्रॉन, ठीक, और आपके जर्मेनियम के चार इलेक्ट्रॉन। अब तीन इलेक्ट्रॉन इसके पेयर बना लिए, पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया, लेकिन यहाँ पे आपका एक चौथा जो बन रहा है, इसका जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वहां पे पेयर नहीं बन पा रहा है। ठीक, जैसे आप मिलाएंगे इम्प्योरिटी को मिलाते हैं त्रिसंयोजी, तो यहाँ पे क्या आपको मिल जाता है, होल, होल कुछ देर बाद यहाँ पे आपका एक होल हो जाता है। देखिए होल कुछ है नहीं, होल को, होल का मतलब होता है
इसको आप लोग बहुत कुछ समझते हैं, लेकिन इसका मतलब होता है खाली स्थान। होल को क्या बोलते हैं? खाली स्थान। ठीक, तो यहाँ पे अब आपका क्या आ गया? होल। अब जैसे यहाँ पे आपको समझने के लिए सिर्फ बताया, एक आपके गैलियम बताया दिखाया गया है, लेकिन अल्प मात्रा में, थोड़ी मात्रा में हम इसमें गैलियम मिलाते हैं, और यहाँ ज्यादा मात्रा में क्या होता है? शुद्ध होता है। तो थोड़ी ही मात्रा में आपका, थोड़ी ही मात्रा में जो आपका गैलियम होता है, वह लाखों आपके, लाखों होल को पैदा करता है, होल को जनरेट या पैदा करता है। ठीक है, थोड़ी आपकी, थोड़ी ही मात्रा में जब गैलियम को मिलाएंगे शुद्ध अर्धचालक में, तो लाखों मात्रा में क्या आ जाएंगे? होल। तो यहाँ पे क्या आपको मिला कि होल की संख्या जो होती है, होल की संख्या आपके इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज्यादा होती है। किसमें? पी टाइप सेमीकंडक्टर में। पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज्यादा होती है। और बैंड की बात करेंगे तो वैलेंसी बैंड में होल की संख्या ज्यादा होती है, और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है। ठीक है, और इसमें जो आपका कौन सा बांड बनता है? तो कोवेलेंट बांड बनता है। तो यहाँ पे जो आपका होल होता है, होल कौन सा, होल पे कौन सा चार्ज होता है? तो होल पे आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और जो इसमें आप अशुद्धि मिलाते हैं, तो होल टाइप कंडक्टिविटी। इसमें अब अगर पूछा जाए कि इसमें जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है, इसमें कंडक्टिविटी इस किसके कारण आ रही? तो इसको हम बोलते हैं, इसका एक नाम है होल टाइप कंडक्टिविटी। इसको होल टाइप इसको होल टाइप कंडक्टिविटी कहते हैं। इस पी टाइप सेमीकंडक्टर का दूसरा नाम है होल टाइप कंडक्टिविटी, और एन टाइप का जो दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉन टाइप कंडक्टिविटी कहा जाता है। ठीक, इसमें आपके क्या पाए जाते हैं? इसमें आपके एक्सेप्टर आयन, इसमें आपके आप पाए जाते हैं एक्सेप्टर आयन। ठीक, पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या पाया जाता है? एक्सेप्टर आयन, और एन टाइप में क्या पाया जाता है? डोनर आयन। ठीक है, अब इसके बाद हम चार्ज की बात करते हैं। तो जो आपका चार्ज होता है, देखिए, एन टाइप और पी टाइप जो है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकली रूप से न्यूट्रल होते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकली रूप से आपका क्या होता है? इलेक्ट्रिकली रूप से यह आपका न्यूट्रल होता है। ठीक है, पी टाइप, और एन टाइप भी इलेक्ट्रिकली रूप से क्या होता है? न्यूट्रल होता है। अब इसमें नेक्स्ट हम आपको बता रहे हैं, देखिए, अब यहाँ पे मेजोरिटी और माइनॉरिटी की बात हो रही है कि किसमें कौन मेजोरिटी में होता है, कौन माइनॉरिटी में होता है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर, जो आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर है, देख रहे हैं इसमें, यहाँ पे आपका डोनर आयन है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या है? ये आपका डोनर आयन है। ठीक, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है दिखाए गए हैं। तो यहाँ पे आपका देख रहे हैं मेजोरिटी कैरियर आपका क्या है? एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजोरिटी कैरियर है वह क्या है भाई? इलेक्ट्रॉन है। और एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो माइनॉरिटी कैरियर है वह क्या? आपका होल है। और पी टाइप की बात अगर करें तो पी टाइप में मेजोरिटी कैरियर में क्या पाया जा रहा है? मेजोरिटी कैरियर में होल है, और माइनॉरिटी कैरियर में आपका क्या है? इलेक्ट्रॉन है। और इसमें देख रहे हैं यह आपका एक्सेप्टर आयन है, और इसमें आपके डोनर आयन। ठीक, तो एन टाइप में आपके डोनर आयन पाए जाते हैं, जिसको आप दाता बोलते हैं, और पी टाइप में क्या पाए जाते हैं? एक्सेप्टर आयन, जिसको आप ग्राही आयन भी बोलते हैं। ठीक, तो अगर मेजोरिटी या माइनॉरिटी की बात होगी, तो हो आपके होल में किसकी मेजोरिटी, सॉरी, पी टाइप में किसकी मेजोरिटी होगी? होल की, और माइनॉरिटी किसकी? इलेक्ट्रॉन की। एन टाइप में मेजोरिटी किसकी है? इलेक्ट्रॉन की, और माइनॉरिटी किसकी है?
की। ठीक, चलिए इसके बाद हम आपको बता रहे हैं, नेक्स्ट है देखिए पीएन जंक्शन। अभी तो आपने पी टाइप और एन टाइप को बनाया, पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक, दो आपके अर्धचालक बने। अब इन्हीं दोनों अर्धचालक की सहायता से हम क्या बनाएंगे, एक बनाएंगे पीएन जंक्शन। ठीक, क्या बनाएंगे, पीएन जंक्शन। तो यहां पे देख रहे हैं एन टाइप है, ये आपका पूरी की पूरी लेयर जो दिख रही है, ये पूरी लेयर किसकी है, एन टाइप की। ठीक, और यहां पे एन टाइप में कौन सा है, किसको मिला, एन टाइप किसको मिला के बनाया गया, जर्मेनियम या जर्मेनियम को मिला के एन टाइप बनाया गया है। ठीक, अब यहां पे क्या है, इंडियम है। ठीक, इंडियम, इंडियम का मतलब आपके अशुद्धि है, त्रिस इंडियम का मतलब संयोजकता कितनी है, तीन है। ठीक है, यहाँ पे आपका इंडियम है लेकिन वह किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, इंडियम यहाँ पे पूरा का पूरा क्या है, एन टाइप, और ये आपका क्या है, पी टाइप। ठीक, तो एन टाइप और पी टाइप को जब आप मिलाते हैं, एन टाइप और पी टाइप को जब मिलाया जाता है तो किसका निर्माण होता है, एक जंक्शन का निर्माण होता है। जब हम एन टाइप और पी टाइप को मिलाते हैं तो एक जंक्शन का निर्माण होता है, वह आपका यहां पे दिखाया जा रहा है। देख रहे हैं पी आपका है और यहाँ पे ये आप इधर आपके इलेक्ट्रॉन होगा, इधर आपके होल। ठीक, चूंकि ये जो है आपका होल है, माइनस का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक, और इसका मतलब अगर आपका ऐसे है, इसका मतलब है निगेटिव आयन है, और आपका ऐसे है, ठीक, ये आपका पॉजिटिव आयन है। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब हम पी टाइप और एन टाइप को मिलाए रहे हैं तो हमारा एक जंक्शन का निर्माण हो रहा है। अब जंक्शन का निर्माण तो हो रहा है लेकिन उसके साथ साथ अब आपके देखिए आपके जो है यहाँ पे अभी ये आपके जंक्शन का निर्माण हो गया, यहाँ पे आपका जंक्शन का निर्माण हो गया, तो यहाँ पे आपका क्या मिले, पी में आपका मिलेगा, एन में मिलेगा पॉजिटिव आयन। चलो ये मैं फिर से बना दे रहा हूँ इसको बड़ा साइज में। देखिए जब पी और एन को मिलाएंगे, पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक में, तो हमारा एक जंक्शन का निर्माण होता है जिसको हम बोलते हैं पी एन जंक्शन। यही आपका क्या हो गया, जंक्शन, यही आपका क्या हो गया, जंक्शन। अब जंक्शन जब हम मिलाते हैं तो जंक्शन के पास वाले जो आपके इलेक्ट्रॉन और होल होते हैं, ये आपस में कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। तो आपस में कॉम्बिनेशन बनाने का मतलब है, इधर आपका एन टाइप है और इधर आपका क्या है, पी टाइप है। तो यहाँ पे आपका क्या बचता है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे आपका प्लस पॉजिटिव आयन और यहाँ पे आपका माइनस। ठीक, यही आपका क्या है, इसे इसे हम एक्सेप्टर बोलते हैं और ये आपका डोनर। तो अब यहाँ पे आपका देखिए इधर जो बच रहा है ये आपका होल है। ठीक, और इधर जो बचेगा ये आपका इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो एक आपका ले जंक्शन बनता है, जंक्शन के पास आपके जो होल और इलेक्ट्रॉन होते हैं एक दूसरे के साथ संयोग कर लेते हैं। तो संयोग करने की वजह से अब यहीं पे आपकी एक लेयर बन गई। ठीक, लेयर बन गई, लेयर इसको हम बोलते हैं कौन सी लेयर, डिप्लेशन लेयर। ठीक, अवक्षय, अवक्षय परत, क्या बोला जाता है, अवक्षय परत। ठीक, तो अवक्षय परत का मतलब क्या है,
अवक्षय पर्त का मतलब ये सब आपके ई मोबाइल होते हैं। ई मोबाइल का मतलब यह आपके प्लस जो और माइनस जो देख रहे हैं यह आपके गतिमान नहीं होते, गतिशील नहीं, ये आपकी गति नहीं करते, ये फिक्स होते हैं, इसीलिए इसको ई मोबाइल कहते हैं, फिक्स्ड होते हैं। यहाँ पे आपके होल इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे आपका जंक्शन बना, जंक्शन के नजदीक वाले होल इलेक्ट्रॉन रिकम्बिनेशन करके क्या बना दिए, डिप्लेशन लेयर बना दिए। ठीक, अब इसके बाद देखिए डिप्लेशन रीजन जब आपका बन गया तो यहाँ पे होता क्या है, एक आपका बैरियर जनरेट कर देता है। अब यही डिप्लेशन लेयर एक वोल्टेज जनरेट कर देता है, जिसे हम बोलते हैं बैरियर, पोटेंशियल बैरियर, जिसको हम वी बी से जनरेट करते हैं और डिनोट करते हैं। अभी आगे इसको बताएंगे इसका यूज क्या है बैरियर पोटेंशियल का। चलिए इसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ पीएन जंक्शन, देखिए पीएन जंक्शन का गुण क्या है, तो यहां पे आप देख रहे हैं ये आपका बन गया पीएन जंक्शन बन गया। तो पीएन जंक्शन बनने के बाद, पीएन जंक्शन बनने के बाद यहां पे देख रहे हैं इधर आपके आप होल और इधर आपके क्या मिल रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक, और यहां पे आपके प्लस माइनस, तो यही आपकी डिप्लेशन लेयर है फर्स्ट। अब सेकेंड में क्या हो रहा है, देखिए जो हमारा डिप्लेशन लेयर है, डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई इतना है और वहां से अब यहां पे देखिए यही डिप्लेशन लेयर, जब हम VO यही आपका वोल्टेज जनरेट हो रहा है जिसको बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं, तो यहां पे इतनी चौड़ाई, यही इतनी चौड़ाई किसकी है, डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई है। और डिप्लेशन लेयर में आपके जो है ई मोबाइल चार्ज, ई मोबाइल चार्ज का मतलब गतिशील चार्ज आपके पाए जाते हैं। डिप्लेशन लेयर में इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और होल नहीं पाया जाता। उसको से पूछा जाता है कि डिप्लेशन लेयर में क्या पाया जाता है, तो डिप्लेशन लेयर में होल और इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। इसमें आपके दो पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन पाए जाते हैं, पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन पाए जाते हैं। तो देखिए अब आपका यही आपका दूसरा रूप हो गया है, ठीक, यह आपका यही इतना आपका क्या है, यही इतना आपका है बैरियर पोटेंशियल, यही इतना है बैरियर पोटेंशियल का मान, यही इतना आपका क्या है डिप्लेशन लेयर। ठीक, अब यही डिप्लेशन लेयर देखिए, इसको हम वी ओ जो देख रहे हैं आपका, वी ओ का मतलब है बैरियर पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल इसको आप विभव रोधी क्या बोलते हैं, विभव रोधी क्या, ठीक। अब वी ओ का मान जैसे क्या है, जब तक आपके होल और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से संयोग नहीं करते तब तक आपकी धारा का प्रवाह नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या है कि यह अवक्षय परत जो आपकी बन गई, अब यह अवक्षय परत आपकी वीओ जनरेट कर रही है पोटेंशियल बैरियर, अर्थात इस अवक्षय परत की वजह से कुछ आपका वोल्टेज जनरेट हो रहा है, वह वोल्टेज आपका क्या है। अगर यही आपका एन टाइप पी एन जंक्शन सिलिकॉन टाइप अर्धचालक से बनाया जाएगा, तो वीओ का मान जो पोटेंशियल बैरियर का मान है वो 0.7 वोल्ट है, और यही अगर जर्मेनियम से बनाया जाएगा तो वीओ का मान 0.3 वोल्ट होता है। ठीक, अब यहाँ पे 0.3 और 0.7 का क्या मतलब है, जब आप इसके क्रॉस पीएन जंक्शन के क्रॉस सप्लाई देंगे तो आपकी धारा का प्रवाह कब होगा, धारा का प्रवाह तब होगा जब आप 0.7 इलेक्ट्रॉन 0.7 वोल्ट से ज़्यादा की वोल्टेज देंगे, तब तो यह आपका जो पोटेंशियल बैरियर, यह आपका डिप्लेशन लेयर टूटेगी और फिर आपके इलेक्ट्रॉन क्रॉस होंगे, होल क्रॉस होंगे। यह अगर यही जर्मेनियम का बना है
तब आपको 0.3 वोल्ट से ज्यादा जब वोल्ट देंगे तब आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल क्रॉस होंगे अर्थात डिप्लेशन लेयर टूटेगी। तो डिप्लेशन लेयर तोड़ने के लिए आपको सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट देने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक। और इसी को आप अभी आगे मिलेगा, जो पीएन जंक्शन का निर्माण हो गया है, तो यहाँ पे आपको क्या देख रहे हैं कि अभी हम इस पे कोई वोल्टेज, पीएन जंक्शन पर अभी हम कोई वोल्टेज नहीं दे रहे हैं। बिना वोल्टेज दिए ही हमारे डिप्लेशन लेयर इतना जनरेट, इतना बन रही। मतलब इससे क्या मिला कि जब हम पीएन जंक्शन बनाते हैं, पीएन जंक्शन बनाते हैं, तो पीएन जंक्शन बनाने के बाद हमें क्या मिल जाता है, एक जंक्शन तो मिलेगा लेकिन उसके साथ एक डिप्लेशन लेयर मिलती है, ठीक। तो वह डिप्लेशन लेयर इतनी है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा जो है, नेक्स्ट है कि अब इसी पीएन जंक्शन को हम सप्लाई से जोड़ेंगे, बायसिंग करेंगे। पीएन जंक्शन को क्या करेंगे, अभी तक हम इसके पहले बायसिंग नहीं करते थे, तो विदाउट बायसिंग वीओ का मान कितना मिलता था हमें, सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट सिलिकॉन के लिए, और वीओ का मान 0.3 वोल्ट ये आपके जर्मेनियम के लिए मिलता था। लेकिन अब यहाँ पे क्या कर दिया गया, यहाँ पे आपकी बायसिंग कर दिया गया है। तो पहले तो हम बायसिंग के बारे में बताते हैं, बायसिंग क्या है। बायसिंग को हिंदी में बोलते हैं अभिनति, बायसिंग को हिंदी में बोलते हैं अभिनत। देखिए अभिनत का क्या मतलब है, जब पी को हम प्लस से एन को माइनस से जोड़ दें तो हमारी जो बायसिंग होगी वह आपकी बायसिंग हो जाएगी फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक। और जब पी को माइनस से और एन को प्लस से जोड़ दें तो हमारी बायसिंग क्या हो जाएगी, रिवर्स बायसिंग। तो इसको आप नोट कर ले, पी का मतलब प्लस समझिए, पी का मतलब प्लस, तो पी को प्लस से एन को माइनस से जोड़ेंगे तो कौन सी बायसिंग होगी, फॉरवर्ड। पी को माइनस से जोड़ेंगे, एन को प्लस से जोड़ेंगे तो कौन सी बायसिंग होगी, रिवर्स बायसिंग, ठीक। तो अब यहाँ पे आप इसको समझिए, इसकी क्रोनोलॉजी कि फॉरवर्ड बायसिंग, पीएन जंक्शन को हम फॉरवर्ड बायसिंग या रिवर्स बायसिंग में जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है। देखिए यहाँ पे पी आपका प्लस से जुड़ा है और एन आपका माइनस से जुड़ा है, पी प्लस से जुड़ा है, एन माइनस से। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो दिखाया गया है ये डायग्राम वो फॉरवर्ड बायसिंग का दिखाया गया है। पी को प्लस से जोड़ा गया है, एन को, पी को प्लस से एन को माइनस से जोड़ा गया, अब यहाँ फॉरवर्ड बायसिंग। देखिए अभी यहाँ पे हम नो एक्सटर्नल फील्ड, जैसे कोई हम बाहरी क्षेत्र कोई सप्लाई नहीं दे रहे हैं, तो डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई हमारी इतनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक डैश डैश तक हमारी डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई है। मतलब डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई जो है विड्थ, वह आपकी क्या है, ज्यादा है। यहाँ पे देख रहे हैं डैश से यहाँ शुरू हो रहा है यहाँ तक। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, इसको एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड का मतलब बाहर से सप्लाई दे रहे हैं इसमें। तो बाहर से सप्लाई देने के बाद जब हम इसको बाहर से बैटरी से जोड़ देते हैं तो जो हमारे डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई हो जाती है वह कम हो जाती है, ठीक। तो यहाँ पे आपको मिला क्या, जब पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में जोड़ा जाता है तो डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई, डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई हमारी कम हो जाती है, जो कि ये आपको डायग्राम में दिख रहा है। नेक्स्ट अब आपको रिवर्स बायसिंग, अब देखिए जब डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई अर्थात जब पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में जोड़ा जाता है, पीएन जंक्शन को, इस समय जो हमारा पीएन जंक्शन का होता है इसका जो रेजिस्टेंस है
लो रेजिस्टेंस, इसका प्रतिरोध का मान बहुत कम होता, लगभग मान चलिए 6 ओम 7 ओम, ठीक, बहुत कम। तो इसमें आपको दो कैलकुलेशन मिला, पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में जोड़ेंगे तो डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई कम हो जाएगी, नेक्स्ट फॉरवर्ड बायस में जोड़ेंगे तो डिप्लेशन लेयर का डिप्लेशन पीएन जंक्शन का जो रेजिस्टेंस होगा वह आपका लो हो जाता है रेजिस्टेंस, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट, अब इसको हम रिवर्स बायस में जोड़ें, तो देखिए रिवर्स बायस में कैसे जोड़ा जाता है, रिवर्स बायस में जोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, तो इसको रिवर्स बायस में जोड़ने के लिए माइनस और प्लस, अगर आप पी को माइनस से जोड़ते हैं एन को प्लस से जोड़ते हैं तो बायसिंग आपकी पी टाइप अचालक को माइनस से एन टाइप अचालक को पॉजिटिव से जोड़ते हैं तो आपकी बायसिंग कैसी होगी, आपकी बायसिंग होगी रिवर्स बायसिंग, ठीक। तो यहाँ पे देखिए रिवर्स बायसिंग, अभी हमारा नो एक्सटर्नल फील्ड पे देख रहे हैं रिवर्स बाय, यहाँ पे डैश डैश डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई हमारी क्या है, डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई अभी कम है, लेकिन जब हम इसको रिवर्स बायस में जोड़ देते हैं तो जो हमारे डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई है डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई वह आपका बहुत ज्यादा हो जाती है, कब, जब हम पीए जंक्शन को रिवर्स बायस में जोड़ते हैं तो डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक। अब डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बहुत ज्यादा हो जाएगी तो आपके पीएन जंक्शन का रेजिस्टेंस का मान या प्रतिरोध का मान वह क्या होगा, प्रतिरोध का मान बहुत ज्यादा हो जाता है, कब, प्रतिरोध का मान बहुत ज्यादा हो जाता है कब, और यह प्रतिरोध का मान मेगा ओम में हो जाता है, ठीक है, कब होता है, जब हम पीएन जंक्शन को रिवर्स बायस में जोड़ देते हैं, इस समय धारा का प्रवाह बहुत लीकेज करंट फ्लो करता है, लीकेज करंट फ्लो करता है, ठीक। चलिए इसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका है कि नेक्स्ट आपका वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन, तो देखिए वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन का वोल्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, तो जब वोल्ट कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे पीएन जंक्शन का देखिए डायग्राम में दिखाया गया है, यहाँ पे अगर हम पीएन जंक्शन को जब हम फॉरवर्ड बायस में जोड़ेंगे तो वोल्टेज करंट, हमारी वोल्टेज जो फ्लो होगी वह आपके कब फ्लो होगी, 0.3 वोल्ट या 0.7 वोल्ट के बाद हमें क्या मिलेगी, इसके बाद हमें करंट मिलती है, और 0.3 वोल्ट का मतलब है कि जर्मेनियम और यह आपके सिलिकॉन, ठीक। तो यहाँ पे जैसे ग्राफ जो आपका बनेगा ऐसे बनता है, देखिए उसमें शायद ना शो किया जा रहा हो, यह आपका वोल्टेज का है, यह आपका करंट का है, तो अब आपकी जो करंट फॉलो करेगी इतने या आपके यूं, तो यहाँ पे आपका देख रहे हैं इसको आप 0.7 वोल्ट और ये आपका 0.3 वोल्ट, तो यही आपका सिलिकॉन, अगर सिलिकॉन से है तो आपको कितने 0.7 वोल्ट के बाद धारा मिलेगी, मतलब 0.7 वोल्ट के बाद आपका पीएन जंक्शन ऑन होगा, और यहाँ पे आपका क्या 0.3 वोल्ट के बाद आपका पीएन जंक्शन ऑन होता है, ठीक है, यह आपको किसके लिए, जर्मेनियम के लिए है। दूसरा, अब इसका जो वी आई करेक्टरिस्टिक है, वी आई करेक्टरिस्टिक रिवर्स बायस, जब हम रिवर्स बायस में जोड़ते हैं
तो हमारे पी एन जंक्शन में कोई करंट फ्लो नहीं करती है। पहले तो हमारे पी एन जंक्शन में जो करंट फ्लो करेगी वो लीकेज करंट फ्लो करती है। लीकेज करंट यह आपकी क्या है, यह आपकी है लीकेज, लीकेज करंट। ठीक, इसके बाद यह आपका रिवर्स बायस का वोल्टेज है और यह आपके रिवर्स बायस की करंट है। ठीक, अब जैसे यहां तक आपकी लीकेज करंट फ्लो हो रही है, लेकिन इसके बाद ब्रेकडाउन, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, इसके बाद आपका वी आर वी रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, इसके बाद इस वोल्टेज जैसे आप धीरे 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 वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, तो रिवर्स वोल्टेज बढ़ाए रहे हैं, यहाँ पे आने के बाद आपका एकाएक पी एन जंक्शन का जो डिप्लेशन लेयर है वो टूट जाएगा, और टूट जाने के बाद बहुत तेजी के साथ करंट फ्लो होना शुरू करती है, आपके डेंजर कंडीशन होती है, इसमें आपके डायोड के खराब होने की कंडीशन होते हैं, लेकिन बहुत ही तेजी के साथ फिर करंट फ्लो करती है। शुरू में आपके पी एन जंक्शन जब रिवर्स बायस में जोड़ेंगे तो पहले लीकेज करंट फ्लो करेगी, लेकिन रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद आपकी करंट बहुत तेजी के साथ फ्लो करती है। ठीक, इस ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद, तो इसके बाद नेक्स्ट आपका है नेक्स्ट फॉरवर्ड बायस। तो फॉरवर्ड बायस में आपको क्या मिल रहा है, फॉरवर्ड बायस देखिए, जब आपका पीएन जंक्शन, जब आपका पीएन जंक्शन कैसा है, फॉरवर्ड बायस में है, तो रेजिस्टेंस का मान, लो रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस बहुत कम चौड़ाई डीएल डिप्लेशन लेयर की, और पोटेंशियल बैरियर का मान सिलिकॉन के लिए पोटेंशियल बैरियर का मान कितना होगा, 0.7 वोल्ट, जर्मेनियम के लिए पोटेंशियल बैरियर का मान 0.3 वोल्ट। ठीक है, और यहाँ पे डायोड आपका या पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन का व्यवहार कैसा हो रहा है, यह पीएन जंक्शन आपका नॉन लीनियर, या इसका व्यवहार कैसा हो रहा है, नॉन लीनियर, लीनियर होता, इसलिए आप कहते हैं कि डायोड पर ओम का नियम फॉलो नहीं करता, इसीलिए क्योंकि यह इसका ग्राफ अगर ऐसे बनता तब तो यह लीनियर ग्राफ है, लेकिन डायोड के आपका ग्राफ ऐसा बना है, यह नॉन लीनियर ग्राफ है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आपका है, देखिए पेन दरअसल पकड़े हैं, राइट से चला रहे हैं कर्सर, लेफ्ट से इसलिए प्रॉब्लम हो रही थोड़ा सा, अभी प्रैक्टिस नहीं ज्यादा। जब आप रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं तो रिवर्स बायस में डीएल डिप्लेशन लेयर चौड़ाई का मान बढ़ जाता है, और दूसरा प्रतिरोध का मान भी, प्रतिरोध का मान भी बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट, इस समय आपकी सिर्फ कौन सी करंट फ्लो करती है, लीकेज करंट फ्लो करती है, कौन सी करंट फ्लो करती है, लीकेज करंट फ्लो करती है। अब यहां पे लीकेज करंट किसकी करंट फ्लो करती है, तो देखिए रिवर्स बायस में जो करंट आपकी फ्लो करती है वो माइनॉरिटी कैरियर, माइनॉरिटी कैरियर के कारण, माइनॉरिटी कैरियर के कारण फ्लो होती है। फॉरवर्ड बायस में,
फॉरवर्ड बायस में जो करंट फ्लो होती है वो किसके कारण होती है, यह आपके मेजॉरिटी कैरियर के कारण होती है। यह आपकी किसके कारण होगी, मेजॉरिटी कैरियर के कारण होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट आपका है इंपॉर्टेंट टर्म। इंपॉर्टेंट टर्म का मतलब होता है, पहला आपका है ब्रेकडाउन वोल्टेज, दूसरा है नी वोल्टेज, तीसरा है मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट, चौथा है पीक इनवर्स वोल्टेज, पांचवा मैक्सिमम पावर रेटिंग। देखिए ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है, यह आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज का मतलब अभी यही चीज है, यहीं पे जो आपका रिवर्स ब्रेकडाउन है या आपका मिनिमम करंट है जिस पे कि आपका जंक्शन ब्रेकडाउन हो जाए, ऐसा मिनिमम वोल्टेज जिस पर आपका जंक्शन ब्रेकडाउन हो जाए उसी को आप क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। तो मिनिमम रिवर्स वोल्टेज की वैल्यू, मिनिमम रिवर्स वोल्टेज की वैल्यू जिस पर आपका जंक्शन ब्रेकडाउन हो जाए उसको बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका है नी वोल्टेज। अब नी वोल्टेज किसको बोलते हैं, नी वोल्टेज का मतलब देखिए, अगर यही आपका नी वोल्टेज मतलब कोहनी का वोल्टेज, अब यही पे ये आपका वोल्टेज फॉरवर्ड, ये आपका करंट आ गई फॉरवर्ड, या आपका यही है, यही देख रहे हैं कोहनी की तरीके से ही बन रहा है ना, यही आपका है नी वोल्टेज, इसी को बोलते हैं यही नी वोल्टेज होता है। तो यही 0.3 है, किसके लिए 0.3 है, यही आपके जर्मेनियम के लिए। जर्मेनियम के नी वोल्टेज का मान क्या होता है, तो जर्मेनियम के नी वोल्टेज का मान 0.3 वोल्ट। अब यही सिलिकॉन की अगर हम बात करें तो सिलिकॉन के नी वोल्टेज का मान क्या होता है, सिलिकॉन के नी वोल्टेज का मान होता है 0.07 वोल्ट। सिलिकॉन की ये आपका वोल्टेज और ये आपका करंट, ठीक, आई एफ फॉरवर्ड करंट फॉरवर्ड वोल्टेज, तो 0.7 वोल्ट सिलिकॉन के लिए, नी वोल्टेज का मान 0.7 वोल्ट। इसके बाद नेक्स्ट में है मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट। तो मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट का मतलब होता है वह अधिकतम वोल्टेज जिस पर कि आपका डायोड वह अधिकतम वोल्टेज जिस पर डायोड आपका कंडक्शन करे और वह खराब ना हो, वह अधिकतम वोल्टेज जिस पर डायोड कंडक्शन करे चालन करता है वह, और उस वोल्टेज अगर वही आपका मैक्सिमम फॉरवर्ड मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट की बात हो रही है, तो मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट का मतलब वह अधिकतम करंट जिस पर आपका डायोड, जैसे IF फॉरवर्ड करंट का मतलब 5 एम्पियर, तो आपके फॉरवर्ड मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट का मतलब 5 एम्पियर। अभी 5 एम्पियर तक आपका पीएन जंक्शन वर्क करेगा आसानी से, लेकिन जैसे ही 5 एम्पियर से हम ज़्यादा धारा कर देंगे तो पीएन जंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, खराब हो जाता है, ठीक। तो वह अधिकतम करंट जिस पर हमारा क्या हो, पीएन जंक्शन काम करता है, वही हमारा क्या होता है, मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट पीआईवी, पीआईवी को बोलते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज। पीआईवी को क्या बोलेंगे, पीक इनवर्स वोल्टेज। पीक इनवर्स वोल्टेज का मतलब है रिवर्स बायसिंग का वह वोल्टेज, रिवर्स बायस का वह वोल्टेज जिस पर पीएन जंक्शन, जैसे रिवर्स बायस का वह वोल्टेज जिस पर हम पीएन जंक्शन जो है विदाउट डैमेज आपका वर्क करता है, जैसे इस अगर हम पीक इनवर्स वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज दे देंगे तो हमारा जो पीएन जंक्शन है यह आपका क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। यह आपका रिवर्स बायस का, रिवर्स बायस के वह रिवर्स बायस का वोल्टेज का वह अधिकतम मान जितने पर हमारा पीएन जंक्शन आसानी से कार्य करता है, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए पीक इनवर्स वोल्टेज का मान 20 वोल्ट है, तो आप सपोज दैट एक वैल्यू मानी गई है, तो पीआईवी का मान क्या है, 20 वोल्ट है। यह आपका रिवर्स वोल्टेज है,
इस रिवर्स वोल्टेज का मान 20 वोल्ट है। अब हम जैसे ही इस रिवर्स वोल्टेज का मान 21 वोल्ट करें या 22 वोल्ट करेंगे तो तुरंत हमारा डायोड क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो यह आपका एक इम्पॉर्टेंट टर्म है पीएन जंक्शन का कि पीक इनवर्स वोल्टेज के मान से ज़्यादा आप रिवर्स में वोल्टेज नहीं दे सकते हैं। मैक्सिमम पावर रेटिंग का मतलब क्या है कि आपका पीएन जंक्शन की एक मैक्सिमम पावर रेटिंग हो जिस पर वह आसानी से कार्य करता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आपका पूरा का पूरा आपके हो गया पीएन जंक्शन आपके पी टाइप, एन टाइप, पीएन जंक्शन, सेमीकंडक्टर, ये सब। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो आपका होगा सेमीकंडक्टर डायोड का। तो पूरा का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब और लाइक करिए।